तो हाँ, तो पहली बात बता दूं आपको, एक क्लिक बेट नहीं है। मुझे ओयो का एक मेल आया था, तो यहाँ ना शिमला में, यहाँ शिमला में ऐसे हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? पिछले 3 दिन से मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार पड़ गया हूँ। और एक्चुअली मैंने स्प्रिंग रोल खा लिए थे, और स्प्रिंग रोल मेरे को कभी भी सूट नहीं करते हैं। उसके बावजूद मैंने खाया और वही हुआ, बीमार हुआ, गला ख़राब हो गया, बुखार आ गया। रात को मैंने बाल धो लिए और ड्राई नहीं किए और सो गया, और बुखार भी आ गया। तो 3 दिन से मैं कुछ कर नहीं रहा था, बट अब मैंने ये सोचा कि अब आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा आपके साथ अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो भी शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, तो पहली बात बता दूँ आपको, एक क्लिक बेट नहीं है। जो अगर आपने पढ़ी होगी डिस्क्रिप्शन मेरी, अगर आप वो डिस्क्रिप्शन देख के आएँ तो मैं आपको सारा लॉजिक समझाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे दिमाग में भी यही सब आया था पहले कि मेरे को क्यों, मतलब मुझे ही क्यों वो ये सब कर रहे हैं। तो एनीवेज, तो व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। कैसे हैं आप सब? तो अब यार बात ऐसी है कि मुझे ओयो का एक मेल आया था, तो ओयो की मेल में मुझे ये बोला उन्होंने कि वो मेरा चैनल खरीद रहे हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा ही क्यों इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और उनका चैनल क्यों नहीं। तो फिर बाद में मैंने पहले तो जेन्युइन पता किया, क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी मेल्स आती रहती हैं कोलैबोरेशन के लिए, जिनमें से आधी फेक होती हैं और आधी जेन्युइन भी होती हैं। फिर अपने नंबर शेयर किया तो बात की, तो उनका सिंपल सा फंडा ये था ओयो का, वो ये बोल रहे थे कि आपका कॉन्टैक्ट, जो आपका चैनल है वो चैनल हम खरीद लेंगे पूरा, आपको मार्केट वैल्यूएशन करेंगे, उसके हिसाब से जो भी पैसा बनेगा, जो आपका करंट चैनल है उस हिसाब से आपको पेमेंट ऑफर की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, चैनल आपका ही रहेगा, फेस आप ही रहोगे चैनल का। आपको पता है ओयो वाले कैसे करते हैं, जैसे होटल्स में भी करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में अपने अपने कमरे खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ किसी और ने बनाई है। तो सिंपल वही यूट्यूब का भी यही हिसाब कर रहे हैं वो। तो मैं अपना चैनल भेज दूंगा तो मैं उनको, तो उसके बाद क्या होगा कि फेस तो मैं ही रहूंगा चैनल का, व्लॉग्स मैं क्रिएट करूंगा। उस पर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कोई भी किसी भी तरह के व्लॉग जैसे मैं बनाता हूँ बनाता रहूँगा, बट वो आएगा स्पॉन्सर्ड बाय ओयो। हर जगह ओयो की एड्स चलेंगी और मेरी वीडियो पे आएगा लिखा स्पॉन्सर्ड बाय ओयो या ऐसा कुछ होगा, वो स्पॉन्सर वही करेंगे। तो ओयो क्या होगा कि मेरी गूगल एडसेंस की जितनी भी पेमेंट सब कुछ है उसके बाद वो मैनेज करेंगे, और साल के एंड में वो कुछ परसेंट शेयर होगा जो मुझे दिया करेंगे एक साल में एक बार। वो भी उन्होंने बोला है मिनिमम आपको 10-12 वीडियो शेयर करने पड़ेंगे हर महीने, वो करने ही करने पड़ेंगे। उसके साथ कुछ टारगेट्स देंगे, साल के एंड पे वो मीट करेंगे तभी सब कुछ होगा, वरना एक टाइम की पेमेंट है। और पेमेंट भी कैसी आएगी, पहले 25% 3 महीने में, फिर 25% 4 महीने में, फिर बाद में लास्ट में ऐसे ऐसे करके पेमेंट आएगी जितनी भी। अब पेमेंट क्या है वो आपको मैं एंड में बता दूंगा कि कितने के कितनी उन्होंने आइडिया सा मुझे दिया और कितनी का वैल्यूएशन निकाली उन्होंने। बट यार क्या है कि मैंने ये सोचा कि देखो पैसा अपनी जगह ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा सच में लाखों में है, और ऐसा नहीं कि लाख में लाखों में पैसा, इतना लाखों में भी नहीं, बट ठीक पैसा। बट यार क्या होता है ना, हर चीज़ को आप पैसे से नहीं तोल सकते। क्या है, मैंने इस पर इतनी ज़्यादा, मेरे को अच्छे से पता है कि जीरो से मैंने शुरू किया था 2.5-3 साल पहले और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मेरे लिए एक्चुअली क्या है, उन्होंने तो, वो बिजनेसमैन है, वो बड़ी इजीली इवैल्यूएट कर लेते हैं मार्केट वैल्यू। उन्होंने रिसर्च करी, सब कुछ किया, सोशल ब्लेड देखा, मेरे व्यूज़ देखे, सब कुछ देखा, ग्रोथ देखी, और मेरे को एक अमाउंट दे दिया कि इतना अमाउंट हम तेरे को पे कर सकते हैं। बट सीरियसली मेरे लिए एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, और मैं ना शुरू से कोई ऐसी जॉब चाहता था जो फ्री हो, मतलब मेरे को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। मैं ऐसा चाहता था कि बॉस भी मैं हूँ, एम्प्लॉई भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो यहाँ पे देख लो यार, सब कुछ मैं ही करता हूँ, एक्टर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, सिनेमाटोग्राफर मैं हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, एडिटर मैं हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो मुझे ना खुशी होती है, और सबसे बड़ी बात मेरे को वीडियो क्रिएट करने में खुशी होती है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है वीडियो क्रिएट करके, नई जगह जाके उसके बारे में शेयर करके, मेरा पैशन है ये। तो मैं इसलिए नहीं भाग रहा हूँ कि पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव है नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं शायद इसको बेच देता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इसकी जब कॉन्टेंट, जो मेरा चैनल है, मैंने इसकी वर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मुझे ये पता लगा कि नहीं यार, मैं इस चैनल की वर्थ नहीं निकाल सकता, मेरे लिए प्राइसलेस है ये चैनल, और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं बेच सकता, मैं इसमें और आगे राइज करूँगा। सो फाइनली ये सब करने के बाद, सोचने के बाद मैंने उनको मना कर दी। तो आप बताना क्या मैंने डिसीजन सही किया। जो उनका अमाउंट है आप ये समझ के चल लो कि लगभग 2 लाख से 7 लाख के बीच में था अमाउंट, फेयरली बता रहा हूँ, इसके बीच में कहीं था अमाउंट या इसके पास पास था। तो फिर आप सोच लो यार कि पैसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मेहनत मेरी आपको पता है इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है। सो इसीलिए मैंने फ़िलहाल तो उनको मना कर दिया। तो आप बताना क्या मैंने सही किया या गलत किया उनको। अब बाहर चलता हूँ, एक्चुअली यूजली ये टाइम हो रहा है शाम का, तो शाम को मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मतलब 5:30 के बाद वॉक पे निकल जाता हूँ। तो आपको वॉक पे दिखाता हूँ आगे, मतलब आज वेदर कैसा चल रहा है, और फिर दिखाऊंगा आपको इधर उधर की कुछ चीज़ें। सो आई होप आपको व्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। उठते हैं, चलते हैं, रेडी में हो गया हूँ, पहले रेडी कर हो गया ही बैठा था एक्चुअली आपसे बात करने के लिए। अब चलते हैं वॉक पे, और थोड़ी बहुत आपको जगह दिखाऊंगा आसपास की, उसके बाद व्लॉग खत्म करेंगे। ठीक है,
तो जी फाइनली आगे वॉक पे। रोज़ तो नहीं आ पाता हूँ मैं, बट यार और बीमार था इतने दिन से, दो तीन दिन से पड़ा था घर में ही, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक हो जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड। अब ठीक है, उम्मीद है कल तक रिकवर हो जाएगा बिल्कुल। तो शिमला का एक तो वेदर ना, ये देखो पता नहीं क्या ही हो गया इस वेदर को, और इतना चेंज हो गया है ना, वेदर वाले फोरकास्ट में दिखा रहे हैं बारिश होगी चार दिन, कोई अलर्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कौन सा अलर्ट है। पिछले एक हफ्ते से शिमला में एक बूंद नहीं पड़ी है बारिश की, और यहाँ पे ठंड भी नहीं है। आपको मौसम दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब जैसा लग रहा है ना कि ये फॉग सा ही, देखो सामने रुको, ये स्कूल है यार, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है ये सामने देखो, आपको दिख रहा होगा फॉग है यहाँ पे। तो मतलब फॉग का मतलब ये नहीं कि ठंड है यहाँ पे या बड़ी बारिश पड़ने वाली, कुछ नहीं हुआ है। अब बोल रहे हैं हर बार, अभी फिर मैं न्यूज़ में देखा कि कल से तो मतलब बेरहमी बारिश होने वाली है, बट एक बूंद नहीं पड़ी है पिछले सात दिन से, तो कोई बारिश नहीं हो रही। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में, एक अल्टीमेट लोकेशन है मतलब देखी होगी आपने, बट बारिश के बाद जब बारिश पड़ती है ना, उसके बाद वो बादल तैरते हैं जो बड़ा खूबसूरत सा मौसम, वो वहीं पे होता है उस जगह पे। तो लोग एक्चुअली डरे हुए हैं शिमला के वेदर से। तो शिमला का वेदर तो मोस्टली लोकल शिमला जो है, क्या है ना यहाँ पे इतने लैंडस्लाइड नहीं होते, मतलब लोकल शिमला में इतने लैंडस्लाइड नहीं होते, इसके अपर एरियाज में होते हैं आसपास। और यह बारिश ही नहीं हो रही है फिलहाल, तो ये मौसम ही दिख रहा है आपको पीछे देखो, ये जो फॉग वाला मौसम, बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे इतना खास। तो ये उन एरियाज में से है जहाँ पे आपको मोस्टली शिमला के काफ़ी सारे ऑफिस दिखेंगे। वो देखो आयुर्वेद भवन है, हेल्थ का डायरेक्टरेट यहाँ पे है, पीछे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिस है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यहाँ पे है, CID ऑफिस इधर है। तो यहाँ बड़े सारे ऑफिस हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप ये पहाड़ में ये बिल्डिंग्स देखो ज़रा कैसे पैक हुई हुई हैं सारी, आगे शिव मंदिर तक। वो देखो उधर मौसम तो है ना बहुत अच्छा, और मौसम के हिसाब से ठंड नहीं हुई है यहाँ ना शिमला में। यहाँ शिमला में ऐसे गाड़ियाँ पार्क होती हैं देखो, अब वो लोग कैसे सेफ रहेंगी, कोई गाड़ी वाला मार जाएगा या फिर ऊपर से कुछ गिर जाएगा तो गाड़ियाँ दब जाती हैं, ये सीन है। तो यहाँ पहाड़ में पार्किंग की तो ना बहुत ही, शिमला में तो बहुत ही बड़ा इशू है, ऐसी बस हमने गाड़ियाँ ले गया, पुलिस वाले चलान काट देते हैं, ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये चट्टाने नीचे गिर जाती हैं जाके, ये वाली चट्टाने देख रहे हो ये नीचे आ जाती हैं, सुबह देखो तो गाड़ी दबी भी होती है, या सुबह देखो तो पूरा दरवाज़ा छील दिया होता है किसी ने, कोई बस वाले ने, गाड़ी वाले ने, या किसी ने, क्या बोले है ही नहीं यहाँ पार्किंग का हिसाब। शिमला में देखो कैसे बने होते घर, ना देखो देखो बिल्कुल ही चट्टानों पे खड़े हैं, और सीढ़ियाँ देखो ये वाली कैसे जा रही है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है सीधी ऊपर, खड़ी सीढ़ियाँ, और देखो कैसे चट्टानों पे बने, ये देखो ये ऐसी चट्टान ही रही होगी ये वाली भी, इस पे घर बना हुआ है। पहाड़ बोलते हैं इनको पहाड़, बस यही दिक्कत होती है पहाड़ में थोड़ी, लैंडस्लाइड्स वगैरह की ज़्यादा बारिश हो जाए ना, और तो बाढ़ वगैरह तो आती नहीं यहाँ पे क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है। बाकी पार्किंग तो मैंने बताई दी आपको, देखो दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी सड़क के, बस एक मंदिर है आगे ना, शिव मंदिर है, बहुत सुंदर है ये जगह भी, पंताघाटी बोलते हैं इसको, बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा बनाया। वैसे ना लोग मुझसे एग्री करेंगे यार कि कुछ साल पहले तक शिमला में क्या होता था कि जैकेट से स्वेटर नहीं उतरती थी पूरी साल, और अब ना ह्यूमिडिटी हो गई शिमला में। तो हुए जी आपको खूबसूरत भोलेनाथ जी के दर्शन, ये मंदिर है शिवलिंग सामने, और ये रोड वही रोड है जो ISBT से आपका ढली और कुफरी और नालदेरा की तरफ कनेक्ट करता है। पंताघाटी के आसपास जब पहुंचेंगे तो आप भी शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
इस जगह पे एक और मॉनेस्ट्री भी है, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, उधर है सामने तेंजिन हॉस्पिटल है, इसी लाइन में पड़ता है इनकेस कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाती है आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आप यहाँ जा सकते हैं, सामने वो सामने हॉस्पिटल है उधर। और फिर उधर एक मॉनेस्ट्री है, अगर मैं थोड़ी आपको दिखा पाऊँगा थोड़ा सा व्यूज़ का भी, वॉक करते करते चल रहे हैं। तो शहर में हमारी एक और सुपरमार्केट खुल गई है जी, हितविक सुपर मार्ट पंथाघाटी के पास। तो मैं पंथाघाटी चौक पे पहुंचने वाला हूं और यहां से बस थोड़ा सा ही पीछे अगर आई राइट हैंड साइड पे आप देखोगे छोटा सा रास्ता जा रहा है मॉनेस्ट्री के लिए जाता है, तो एक बार मॉनेस्ट्री भी दिखाते हैं आपको। अगर मेरे ख्याल से तो वैसे एंट्री बंद है, तो कोशिश करेंगे नीचे से फिर भी आपको व्यू दिखाने की। तो ये खूबसूरत व्यू है मॉनेस्ट्री का, और मॉनेस्ट्री तो बंद है, गेट पे लगा है कि अभी बाहर वालों के लिए एंट्री नहीं है कोई भी ड्यू टू कोविड तो, बट बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री है। और यहाँ सनसेट इस एरिया में पंथाघाटी में ज़बरदस्त होता है, वैसे सनसेट पहाड़ों के वैसे ही फेमस होते हैं, पर ये भी एक लोकेशन है अल्टीमेट वाली। तो फिलहाल तो अभी के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे को उतर रहा था, वहाँ से ये भी पास में ही कॉलोनी पड़ती है, ये बड़े टाइम से बिल्डिंग जो सामने आपको दिख रही है बंद था कंस्ट्रक्शन का, बट फाइनली ये बन गई है, फ्लैट शायद खरीदने के लिए ही है। मैं बड़ी बारिश कर रहा था, भाग के आया वापस क्योंकि बारिश पड़ गई थी बीच में रास्ते में, थोड़ी थोड़ी बूंदे लगी है, तो फाइनली अब शिमला में बारिश शायद आने वाली है। तो इस व्लॉग में जो मैं आपको दिखा सकता था इंपॉर्टेंट प्लेसेस आसपास की मैंने दिखाई, थोड़ी वॉक दिखाई, थोड़ा आपसे शेयर किया कि मेरे को उन्होंने क्या क्या ऑफर किया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।